अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा। बॉस से लेके बीवी तक, निब्बस से लेके निब्बी तक, हर बात का परेशान, भाव का शो है, सब समस्या का समाधान। जहाँ तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा तुम शो में आए हो या पंचायत में। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले इस छिपकली से मिलो, इनका नाम है नेहा। बॉयफ्रेंड के नाम पर इन्होंने तो कुत्ते पल रखे है जो गधे की तरह इनके हर जरूरत पूरे करते है, और ये उन दोनों को मच्छर की तरह चूसते है। नेहा जी आप डेंटिस्ट हो? नहीं, तो ये 32 ही ना बनकर। अरे ये चप्पल फेंक कर दांत तोड़ डालेगा तेरा। तो कैसी है आप? बहुत बढ़िया। बोलिए क्या चल रहा है अपनी जिंदगी में, और उनके बारे में अपनी राय क्या है? बहुत कुछ चल रहा है हाँ। मेरे लाइफ में आपके लिए वो शायद नॉर्मल ना हो, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है। लाइक आप मुझे क्या पूछना चाहते हो? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करते है, चेतन को या ऋषि से? सी वो तो बाद में तय होगा ना, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। कब? जब वो 15 रुपए वाली पहन रही है, वो भी उतरने के बाद? नहीं भाऊ, एक सेकेंड। ओके मैं उन दोनों ने बहुत सारी बातें कही, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने नहीं कही है, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। जी, चलो ठीक है बताओ। मैं जो लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्या वो मुझे दे पाएगा? सिर्फ वो दोनों नहीं, दुनिया के कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम प्यार नहीं बेटा ढूंढ रहे हो। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उन दोनों को कब से जानते हो? उसके लिए तो आई गेस 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो 1 साल में ये दोनों में से कौन आपको अच्छा लगा, कौन आपकी केयर करता है, जो चीज आप मांगते हो बोला के बराबर देता है? आई थिंक इट्स लाइक अ कंपटीशन। अच्छा कंपटीशन अभी भी है इस शिपकली के लिए? कंपटीशन? अबे गधो तुम्हारी बुद्धि क्या घास चढ़ने गई है? देखो भाई लड़के लोग जो होते है वो कॉम्पिटिशन में बड़ा बिलीव रखते है। तू 1 बीड़ी पिया है, मैं 2 बीड़ी पीऊंगा। तूने 1 बार हिलाया है, मैं 4 बार हिलाऊंगा। Obviously भाऊ, क्योंकि जहाँ पे डिसिप्लिन होता है वहाँ पे सारी चीजें राइट होनी ही होनी है। सो हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब एक ने अगर सेक्स किया तो दूसरा मर भी जाए तब भी आज सेक्स नहीं कर सकता, क्योंकि यही डिसिप्लिन है। सोचो अगर इन दोनों से ही इसकी शादी हो गई तो इन दोनों की कॉम्पिटिशन के चक्कर में दीदी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी। इसे कहते हैं एक फूल दो माली, अपने ही गन पे बजाओ ताली। तो अभी तक बहुत कुछ सही चल रहा है भाऊ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अगर दोनों के प्यार एक साथ मिले तो बिना हैप्पी होके कोई रह सकता है क्या? मगर वो जो दो गधे तुम्हारे पीछे मर रहा है, कभी उनके बारे में तो सोचो। तुम प्यार में ना, प्यार में रिलेशन ढूंढने के चक्कर में ना, तुम तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रही हो। ये तो तुम समझ गए हो भाऊ, लेकिन वो दोनों गधे को कौन समझाएगा? अभी आप क्या क्या सोचा है आपने आगे, ये बताओ ये दोनों के बारे में। कुछ नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। कब तक? वो दोनों पूरी तरह से नंगा ना हो जाए जब तक। हमारे शो में ना जो भी आपके जैसा इतना इंटेलिजेंट, समझदार, हाय हाय वैसा वाला आता है ना, उसके लिए हम लोग ना एक गिफ्ट रखते हैं। गिफ्ट? और आपको तो गिफ्ट लेना बहुत पसंद है, लगता है थप्पड़ पड़ने वाली है। चलते हैं अगले एपिसोड पे। हाउ मैं वर्क करूं, पिछले 6 सालों से ये काम कर रही हूं। फिर एक दिन एक लड़का आया, प्रतीक। ओ मैडम तुम शो में आए हो, कोई सीरियल की ऑडिशन देने नहीं, जो इतना ओवर एक्टिंग कर रही हो, सीधा सीधा बोलना नहीं आता? देखने में अच्छा था। तो क्या प्यार हो गया उससे? क्योंकि यहाँ पे ना दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते। 25 साल सिंगल रहने के बाद जब तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आए और वो भी तुम्हें छुड़की चले जाए, तब तुम यहाँ पे ना दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते। कोई हॉट लड़की के हॉट रील्स जब तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो, यहाँ पे ना दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते। तो उसने कहा कि मेरी माँ लव मैरिज के खिलाफ है, और ये बात उसने बाद में बताई। अबे वो दुखों की संसार, पहले अच्छी तरह से ठीक कर लो, अपनी दुख बताना ही एक्टिंग करना है, क्योंकि दुख तो ना तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है और एक्टिंग ना तुमसे हो रहा है। ये आपकी बहू बन चुकी है तो उसे स्वीकार कीजिए। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा। नेक्स्ट कॉल भाव, तुम्हारा कुत्ता भाग गया बगल वाली कुतिया के साथ। भाव को बोलो तुम्हारा खरीदे हुआ कंडोम तुम्हारे बाप ने चुरा ली। भाव को बोलो क्राइम पेट्रोल देखने के बाद भी हिलाने का मन नहीं कर रहा। भाव को बोलो। भाव मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था ऋषभ, वो और मैं स्कूल से अब तक साथ में ही पढ़ाई करते हैं। मैं 19 साल से टॉपर रहा हूँ, चाहे वो क्लास का टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम हो, मैंने हमेशा टॉप किया। पर उसने चीटिंग की, उसने रिजल्ट में फायदा मिले इसके लिए HOD जो मैम है हमारी उनके साथ चक्कर चला, उनके साथ अफेयर चला।
ओ भाई, ये कैसा कूटनीति है? मतलब अपने फायदे के लिए एचडीएम मैम को ही बलि का बकरा बना दिया? विकबिंदर तो नाम का, असली स्कैम तो ये कर गई। अबे नालायक हो, कुछ सीखो जिंदगी में। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा ही पति अपनी ही बेटी के साथ कर रहा है। मेरे को एक बात बता, उसके बेटी के साथ चक्कर चलाने का लाइसेंस किसने दिया तेरे को? अपने बेटी के साथ चक्कर, ये बाप है कि पाप है? क्राइम पेट्रोल और पॉन वीडियो के बाद तुम्हें ऐसे नजर सिर्फ भाव के शो में ही देखने को मिलेगी। इस शो का नाम अतरंगी नहीं झटरंगी होना चाहिए था, क्योंकि सारे झट जलाने वाले लोग इसी शो में आते हैं। भाव, मेरा जो 23 साल का बेटा है, मैं उस पर बहुत जान छिड़कता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उसे। लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है। वो बच्चा है ना, वो मेरे दोस्त प्रियश का है। इससे बड़ा चुतिया दुनिया में कोई हो सकता है क्या? मतलब प्रोपर्ट के घोंसले पे कौवा अंडा देकर चला जाता है और प्रोपर्ट को पता ही ना चला, और वो अंडा फूट के जब बच्चे निकलता है तब उस बच्चे को देख के प्रोपर्ट कहते हैं, मैं इतना हरा हूँ और ये कितना काला, लगता है मेरे घोंसले ने कोई और ने हाथ डाला। मुझे एक बात बताओ बबीता, पति तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी साड़ियां लाता है, पति तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी लिपस्टिकें लाता है, और किसी और इंसान को बिस्तर में सुला के वो लिपस्टिक का स्वाद उसको देती है। हाँ बात तो सही है, तुम लगाओगे पैर और फल खाए अनुपम खेर। मार मार और मार भूसी वाले को, दोस्त हो के दोस्ती के खेत पर हाल चलाता है। मारने से तेरा पेट भरता है ना, तू मुझे और मार ले। लेकिन भगवान के लिए हम दोनों को माफ कर दे यार, हमसे गलती हो गई। बंसी, गलती करने वाले से ज्यादा जो माफ करता है ना, वो ही बड़ा होता है। बस 90s की मूवी की तरह एंड पे सब लोग अच्छे हो जाते हैं, होके मजबूर साले गिले शिकवा दूर। इससे ज्यादा और मैं नहीं झेल सकता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो माफ करो, क्योंकि गलती करने वाले से ज्यादा जो माफ करता है ना, वो ही बड़ा होता है।